अनूपपुर से एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दें। पुलिस ने ग्रामीण पर गोली चला दी है। हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीण अब विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चला दी। गोली लगने से दो व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौजूद है। अनूपपुर में पुलिस ने ग्रामीणों पर गोली चला दी है। दरअसल ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे, हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और गुस्साए ग्रामीण वहां पर विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर अब पुलिस ने गोली चलाई है, जिससे दो लोग घायल हो गए हैं। राम भुवन गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, बताएं वहां पर हुआ क्या और अभी जिन ग्रामीणों को गोली लगी है, दो लोगों को, उनकी स्थिति कैसी है? जी, अनूपपुर जिले के जतहरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत गोबरी ग्राम में विगत कई दिनों से हाथी विचरण कर रहे थे, जहां आज शाम को हाथी ने एक युवक को कुचल दिया था। कुचलने के बाद जो ग्रामीण वहां गुस्साए हुए थे, वह एकत्र होकर वन विभाग का जो विरोध कर रहे थे, तभी वन विभाग द्वारा पुलिस से सहायता मांगी गई और इसी बीच ग्रामीणों और पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसपे पुलिस द्वारा गोली चला दी गई है, जिसपे दो व्यक्ति घायल हुए हैं, जिसका नाम राम प्रसाद गोड़, पिता गोरेलाल गोड़ है, जिनकी उम्र 45 वर्ष है। वहीं दूसरा जो व्यक्ति है वह 17 वर्ष का है और उसके हाथ में गोली लगी है। फिलहाल उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और वर्तमान में जहां घटना घटित हुई है, वहां वन विभाग और पुलिस विभाग एक साथ मुस्तैदी से तैनात हुए हैं। चलिए, अब नजर बना के रखें, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। तो अनूपपुर में पुलिस ने ग्रामीणों पर गोली चलाई। दरअसल हुआ ये कि हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई और गुस्साए जो ग्रामीण थे वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चला दी है, जिससे दो लोग घायल हैं, जिनका इलाज अब जिला अस्पताल में जारी है।